नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सक्सेस स्टार्ट। सो हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे आपको अपनी 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आपको रोज़ किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे आप 9th स्टैंडर्ड में टॉप कर सके, दैट मीन्स आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और हम जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट को आपको कितना कितना टाइम देना है और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको रोज़ कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नाउ आपको डेली 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, ट्यूशंस, कोचिंग, यूट्यूब लेक्चर्स को निकाल के ये आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए जिसमें आप और आपकी बुक बस दोनों ही हो। नाउ आपको 5 आवर्स तो पढ़ना है जिसमें आपको मैथ्स और साइंस डेली करना है। स्टार्टिंग के टाइम में आप साइंस और मैथ्स को 1.5 घंटा देंगे तो इनफ है, एंड एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपना स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ SST हिंदी एंड इंग्लिश ये आप टैब के साथ भी पढ़ सकते हैं। लाइक एक दिन आपने SST कर लिया, एक दिन हिंदी कर लिया एंड एक दिन इंग्लिश कर लिया, सो 1 घंटा आपने वहाँ पे ले लिया। नाउ 1 घंटा आपको स्कूल होमवर्क में देना है। यस, हमारे स्कूल सब ऑफलाइन हो रहे हैं सो डेफिनेटली होमवर्क मिलने वाला है, एंड दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो आपको 1 घंटा होमवर्क को भी देना है। सो इस तरीके से हमने अपने 5 घंटे स्टडी, प्रोडक्टिव स्टडी में निकाल लिए। अब हम बात करते हैं टॉपर्स टिप की। ये टिप अगर आपने डेली एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड फॉलो कर ली सो आई एम श्योर आप क्लास के टॉपर बन जाएंगे। ओके, सो टिप ये है, तो आपको नोट मेकिंग टेक्निक को फॉलो करना है। जब आप पढ़ रहे हैं NCERT में से कोई चैप्टर, लाइक हमने SS का एग्जांपल ले लिया, सपोज आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स लिखने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो शॉर्ट होने चाहिए और आप अपने लिए बनाएंगे। सो इट्स अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि ये वाला पॉइंट हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए, एंड ये रिविजन नोट्स भी बनेंगे इन द टाइम ऑफ योर एग्जाम। ओके, सो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्ट्स लगते हैं, टॉपिक्स लगते हैं, उनके सेल्फ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए जब आपकी टीचर चैप्टर स्टार्ट करती है तब से ही। एंड फॉर मैथ्स आप फॉर्मूला शीट बनाना स्टार्ट कर देंगे, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, एंड उसको आप अपनी बुक के हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज पे स्टिक कर सकते हैं या फिर अपनी स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं, एंड डेली उनको रिवाइज करिए सो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूलाज में आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाउ पहली मिस्टेक ये है कि आपको बिल्कुल भी लैग नहीं करना है। जैसे कि सैटरडे संडे यू थॉट कि चलो अब तो फ्री टाइम है, साइंस और मैथ्स नहीं करूँगा, थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ। नो, आपको एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी है फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो बिल्कुल आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में एकदम डट के पढ़ाई करनी है जिससे आपका एक रूटीन बन जाएगा, फिर आपको आगे के टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल भी लैग नहीं करना है, वीकेंड्स का लैग नहीं करना है, फेस्टिवल्स उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है कि अगर कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो आज ही मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा, बट आपको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको किसी एक सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, एक ही सब्जेक्ट पकड़ के नहीं बैठना है, आपको सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा टाइम देना है, एकदम इक्वल फोकस करना है, क्योंकि हमें एक ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, हमें फुल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स चाहिए। सो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ एनी क्वेरी एनी डाउट कमेंट डाउन आई विल रिप्लाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।